देश में नई सरकार चुनने के लिए मतदान का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को दूसरे चरण के देश भर में 82 सीटों पर वोट डले। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग मतदान को लेकर ज़्यादा संवेदनशील नहीं होते हैं और मतदान कम होता है। वहीं अब मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों ने हाथ बढ़ाए हैं। कंपनियों ने वोटर्स को वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए कई ऑफर्स पेश किए हैं। इन कंपनियों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, तो चलिए जानते हैं मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए कहां कहां कौन कौन से ऑफर पेश किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए फूड से लेकर मुफ्त बियर तक का ऑफर किया जा रहा है। होटल, टैक्सी और फूड आउटलेट्स कंपनियों की ओर से मुफ्त बियर, मुफ्त टैक्सी सवारी और यहाँ तक कि मुफ्त स्वास्थ्य जांच देने का ऐलान किया है। मतदाताओं को इसका लाभ उठाने के लिए अपनी स्याही लगी उंगली दिखानी होगी। बेंगलुरु का एक अन्य रेस्टोरेंट पब डेक ऑफ ब्रूज 27 और 28 अप्रैल को पब में आने वाले मतदाताओं को फ्री बियर का एक मग और डिस्काउंट देगा। टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर रैपिडो बेंगलुरु में दिव्यांग और सीनियर सिटीजन वोटर्स के लिए ऑटो, कैब और बाइक की सवारी पेश करेगा ताकि वे आसानी से जाकर वोट डाल सकें। वहीं सोशल नाम की एक पब ने वोटर्स को फूड पर 20% तक डिस्काउंट देने की घोषणा की। सोशल की मूल कंपनी इम्प्रेसारियो एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की मुख्य विकास अधिकारी दिव्या अग्रवाल के अनुसार यह सौदा उनके संबंधित शहरों में मतदान के दिन के बाद एक सप्ताह के लिए वैध है। तो ये ऑफर सुनकर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ऑफर्स आने चाहिए? आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें।